हर बार नहीं मिलता जो लाए मनुष्य का जो हर बार नहीं मिलता। ये फूल सुकर्मों का बड़ी मुश्किल से गिरता जो लाए मनुष्य का जो हर बार नहीं मिलता। ये फूल सुकर्मों का बड़ी मुश्किल से गिरता ये बात भूल बैठा क्यों आना कहानी में। ये बात भूल बैठा क्यों आना कहानी में। हमारे शरीर के अंदर हमारी जो आत्मा रहती है ना जिसे कोई भी दुनिया का वैज्ञानिक देख नहीं पाया है, इतनी सूक्ष्म ये आत्मा और उस आत्मा में रहने वाला वो परमात्मा कितना सूक्ष्म हो गई आप विचार कर सकते हो, है ना। और विशाल कितना है। ये सारा ब्रह्मांड जो हमारी आंखों में समा नहीं रहा है, इतने विशाल ब्रह्मांड को परमात्मा ने अपने गर्भ के अंदर धारण कर रखा है। वेद का मंत्र कहता है हिरण्यगर्भ संवर्धिता। तो परमात्मा इतना विशाल है और उसकी कारीगरी कितने विशाल है। ये हमें पेड़ पौधे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, सभी पत्तियों का रंग कैसा है, लेकिन एक पेड़ की पत्ती को तोड़ करके दूसरे पेड़ की पत्ती से मिला करके देखिएगा, कहने को तो सबका रंग हरा है लेकिन हरा होने के बावजूद एक दूसरे से मैच नहीं खाता। इतना विशाल वो परमात्मा और उसकी रचना है। आप पत्तियां छोड़िए, दुनिया के अंदर 7.9 लाख अरब जनसंख्या है। इतनी बड़ी जनसंख्या में किसी भी व्यक्ति का चेहरा किसी से मैच नहीं खाता, इतना विशाल वो परमात्मा और उसकी रचना है। आप चेहरा छोड़िए, ये आवाज किसी की किसी से मैच नहीं खाती, आप आवाज छोड़िए। ये हमारे उंगलियों के निशान है ना, जिन्हें हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिंगरप्रिंट्स, ये भी किसी के किसी से मैच नहीं खाते। इतना विशाल वो परमात्मा और उसकी रचना है। लेकिन विडंबना ये है कि हम लोगों ने परमात्मा की भक्ति की है। जब तक इस देश के लोग ईश्वर की आज्ञा का पालन करते रहे, जब तक इस देश के लोग वेद ज्ञान का पालन करते रहे, तब तक ये देश विश्व गुरु कहलाता रहा। और लेकिन जब वेद ज्ञान से हमने तिलांजलि दे दी, परमपिता परमात्मा की व्यवस्था को हमने तिलांजलि दे दी, तो ये देश दास बन करके बैठ गया, गुलाम बन करके बैठ गया और सारी उम्र ऐसे ही गवा देता है व्यक्ति नशे में। प्रभु को तो याद ही नहीं करता, ईश्वर को तो याद ही नहीं करता। तो बहुत सुंदर बनते हैं लेकिन कभी नहीं क्या। के प्रभु को न नशे में नाटो, प्रभु को न भूल नशे में नाटो। प्रभु को न भूल नशे में
शाम का समय हुआ,
लाला जी ने कहा चलो बैठ करके संध्या करते हैं। अब लाला जी संध्या करने लगे, इसे संध्या थोड़ी आती थी, यही बैठ के आसन करते। भोजन आदि दोनों ने ग्रहण किया तो लाला जी ने एक बात कही कि भाई साहब मैं 10-10:30 बजे के आसपास होता हूँ और 4 बजे उठ जाता हूँ, ये मेरी दिनचर्या है। बोले कोई दिक्कत नहीं, आप सो कहते हैं कि 10:30 बजे के करीब लाला जी खुर्राटे मारने लगे। अब इसे नहीं थोड़ी आती, ये उठा 11 बजे और लाला जी की दोनों जेबों की तलाशी ली, लेकिन दोनों जेबों में लाल नहीं। इनके पास में दो थैले थे, एक छोटा और एक बड़ा। दोनों थैलों की जंजीरें खोल करके, चेन खोल करके देखा, फिर भी लाल नहीं। कपड़े झाड़ झाड़ करके परेशान हो गया, फिर भी लाल नहीं मिले। रात को फिर उठा, कहीं कोने कोने में रह तो नहीं गए, फिर भी देखा तो फिर भी लाल नहीं मिले। और जब दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर उठ करके लाला जी चलने लगे तो ठगने रास्ता रोक और रास्ता रोक करके एक बात कहते हैं कि लाला जी 2 मिनट का समय दे दो। बोले ले लो। उसने कहा कि पहले मैं अपना परिचय दे दूं। बोले बिल्कुल। ठग ने कहा कि लाला जी मैं मुंबई का मशहूर ठग हूं। लाला जी ने कहा कि ये बात मैं बहुत पहले से जानता हूं, आगे बोल। बोले अगर ये जानते हैं तो ये भी जानते होंगे कि मैं पलक झपकने से पहले जेब की सफाई कर देता हूँ। बोले ये बात भी मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ, पर दिक्कत क्या है ये बता। ठगने कहा कि लाला जी जब आप मुंबई के रेलवे स्टेशन से चले थे तो आपके पास में बड़े कीमती दो लाल थे। बोले वो तो अब भी है। बोले दिखा सकते हो। बोले बिल्कुल। लाला जी ने जेब में हाथ डाला और दोनों लाल हथेली पर रख करके कहते ये नहीं लाल तो। अब ठग ने सजनों पैर पकड़ लिए और पैर पकड़ करके एक बात कहते हैं कि लाला जी मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद में चोरी नहीं करूंगा। मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद में चोरी नहीं करूंगा, पर बदले में भले इंसान इतना तो बता दे ये लाल छुपाए कहाँ, ये लाल छुपाए कहाँ। तो लाला जी जो उत्तर देते हैं ना उसको बड़े ध्यान से सुनते हैं। लाला जी कहते हैं मेरे भोले भाई तू सारी रात मेरी जेबों की तलाशी लेता रहा, मेरे थैलों की तलाशी लेता रहा, लेकिन जब तू हाथ में धोने के लिए गया था ना तो मैंने लाल तेरे वाले थैले में रख दिए थे और मुझे पता था कि तू मेरी जेबों की तलाशी लेगा, मेरे थैलों की तलाशी लेगा, लेकिन अपने वाले में झांक करके नहीं देखेगा। यही हाल कुछ दुनिया के भक्तों का हो रखा है, परमात्मा को ढूंढते फिर रहे हैं यत्र तत्र सर्वत्र, लेकिन हृदय के अंदर झांक करके नहीं देखा कि वो परमात्मा हृदय के अंदर बैठे हुए हैं। तो कभी ने बहुत सुंदर पंक्ति लिखी क्या के मन मीत बसा मन में, मन के दर्पण को देखा नहीं कभी निराकार माना, कभी अवतार जाना बल्कि जन्म में मन में मन के दर्पण को देखा नहीं कभी निराकार बेटे का गोना।
यमुना में बोते लगा, गंगा यमुना में बोते लगा, त्रिवेणी संगम में मल मल नहाए, गंगा यमुना में बोते लगाए, त्रिवेणी संगम में मल मल नहाए। कभी अमरनाथ पहुँचे, कभी जगन्नाथ पहुँचे, कभी अमरनाथ पहुँचे, कभी जगन्नाथ पहुँचे, भट्टी के जीवन में मन मन में मन के तारी पानी को देखा नहीं, खुशियों का पीकर दृष्टि को दृष्टि भी डाली किसी पर, यूं ही दिन जाते रहे, समय यूं बिताते रहे, यूं ही दिन जाते रहे, समय यूं गवाते रहे, बहरूपिए पन में कि मैं और मेरा यार एक ही बस्ती में बसते हैं, पर किस्मत की बदनसीबी है दर्शन को तरसते हैं, रहता आत्मा भी शरीर में है, परमात्मा भी शरीर में है, लेकिन दोनों का जो मेल होना था वो मेल नहीं हो पा रहा। और क्या लिखा तुमने, मन के ही दर्पण में है यारी तेरा, मन के ही दर्पण में है यारी तेरा, दिल की ही दलदल में दिलदार तेरा, मन के ही दर्पण में है यारी तेरा, दिल की ही दलदल में दिलदार तेरा, सारंगी के तारों में है, स्वरों की झनकारों में है, सारंगी के तारों में, स्वरों की झनकारों में है, बेबोल गायन में मनमीति बसा, मन में मन के दर्पण को देखा बसा मन में।
परमात्मा को हम लोगों ने ढूंढने का प्रयास नहीं किया। आदरणीय श्रद्धे दादाजी ये 100 रुपये की राशि दे रहे हैं और श्रद्धे आर्य जी इन्होंने भी राशि दी थी और जिनका ये फोन कैमरे के रूप में काम कर रहा है इन्होंने भी राशि दी है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन कर रही थी आप लोगों के मध्य में, यदि परमात्मा को कहीं ढूंढना है तो इसी ढूंढ में ढूंढना है, परमात्मा को कहीं खोजना है तो यहीं पर खोजना है। और जब परमात्मा को व्यक्ति पा लेता है, परमात्मा को व्यक्ति जब अनुभव कर लेता है, उसके सानिध्य में बैठ जाता है, तो जो आनंद की अनुभूति हमें प्राप्त होती है वो दुनिया की किसी काम में नहीं होती, किसी सुख में नहीं होती। परमपिता परमात्मा के सानिध्य में बैठकर के व्यक्ति सारी दुनिया से सुरक्षित रहता है, सारी दुनिया की दौलत एक तरफ है लेकिन परमात्मा का आनंद एक तरफ है, सारी दुनिया के लोभ लालच एक तरफ है और परमात्मा का आनंद एक तरफ है, दुनिया का सबका प्यार एक तरफ है और परमात्मा का प्यार एक तरफ है। ध्यान दीजिएगा, परमात्मा के समीप बैठ करके उनके गुण हमारे अंदर इस प्रकार से आ जाते हैं जिस प्रकार से अग्नि के समीप बैठने से अग्नि की उष्णता हमारे अंदर आ जाती है, जल के समीप बैठने से शीतलता हमारे अंदर आ जाती है, हमें अनुभव होती है। इसी प्रकार परमात्मा के सानिध्य में बैठ करके हमें आनंद की अनुभूति होती है, परमात्मा सत्य चित और आनंद स्वरूप है। श्रद्धा माता जी ये राशि लेकर के मेरा उत्साह वर्धन करने का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से हमें आनंद की अनुभूति होती है। आइए समय मुझे बता दीजिएगा एक बार, मैं घड़ी निकाल दूँ, हो गया? तो इन सब बातों पर हमें विचार करना, और जब इन बातों पर हम लोग विचार करते हैं, जब इन बातों को हम जान लेते हैं, मान लेते हैं, तो एक सुपरिवर्तन व्यक्ति के जीवन के अंदर आता है कि वो किसी पाखंड अंधविश्वास में नहीं फंसता, वो व्यक्ति किसी की कृपा को नहीं चाहता, वो कृपा का पात्र बनता है, तो केवल और केवल परमपिता परमात्मा की कृपा का पात्र बनता है। तो क्या लिखा है कवि ने, दीप मन मंदिर में प्रज्वलित हे प्रभु एक बार कर दो, दीप मन मंदिर में प्रज्वलित हे प्रभु एक बार कर दो। शब्द सही समझ आ रहे हैं, सब पल्ले पड़ रहे हैं, मगर साथ मिलकर के बोल, क्योंकि हम सबको प्रार्थना करनी है परमात्मा से, अकेले मुझे ही करना है। दीप मन मंदिर में प्रज्वलित हे प्रभु एक बार कर दो, दीप मन मंदिर में प्रज्वलित Oh,
सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सब